इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया जी। जी कलावति शर्मा जी, आपने पूरा का पूरा एडिशन सास पर ही लिख दिया। अरे बहुत अच्छे आर्टिकल्स, मजा आ गया पढ़कर। कौन सा आर्टिकल? बहू के गले में सास की फांस। हाँ नहीं, ये वाला तो मुझसे मिस हो गया। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, बताती हूँ आपको। जी जी ओके। अरे ये कैसे मिस हो गया? हाँ यही तो है, बहू के गले में सास की फांस। सास वो बला है जो दुनिया की हर बहू के गले की फांस है। क्या आपकी सास भी आपके गले की फांस है? मैं नीचे कुछ सिम्टम्स लिख रही हूँ, अगर इन सिम्टम्स से आपके सिम्टम्स मैच हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सास आपके गले की फांस है। सिम्टम नंबर वन, क्या आपकी सास आपसे दूर रहती है? थैंक गॉड, मेरी वाली तो दूर रहती है। अगर आप ये सोचकर खुश हो रही हैं कि आपकी सास आपसे दूर रहती है इसलिए वो आपके गले की फांस नहीं बन सकती, तो खुश मत होइए, क्योंकि वो कभी भी आकर आपके खुशियों में आग लगा सकती है। इससे तो और टेंशन हो गई मुझे। लव यू मम्मी, मिस यू मम्मी, ओके मम्मी, बाय बाय मम्मी, टेक केयर मम्मी। मम्मी का फोन आया था। पता है। फिर तो बताया नहीं तुम्हें, कैसे मालूम पड़ा? क्या बकवास सवाल है। हेलो मम्मी, हाय मम्मी, लव यू मम्मी, मिस यू मम्मी। इतनी देर से यही तो कह रहे हो? कोई दूध पीता बच्चा भी समझ जाएगा कि तुम अपनी मम्मी से बात कर रहे हो। वही तो बता रहा हूं मैं तुम्हें। अरे नहीं पूछ रही हूं बाबा, मत बताओ ना। बताना जरूरी है क्योंकि फोन इसलिए आया था कि वो आ रही है। क्या? अगर नहीं बताता ना तो जो रिएक्शन अभी आया ना उससे कहीं ज्यादा बड़ा रिएक्शन आता, और डरावना और बड़ा खौफनाक रिएक्शन आता। किस लिए? अब किस लिए? मुझे क्या पता किस, तुम उनके नाम से क्यों डरती हो यार, मुझे क्या पता। अरे मैंने पूछा किस लिए आ रही हैं। भाई अपने अपने बेटे से मिलने आ रही हैं, अपनी बहू से मिलने आ रही हैं। प्लीज, बहू से नहीं बेटे से मिलने आ रही हैं। बहू की तो पैंट बजाने आ रही हैं। और तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मुझे मत सिखाओ, जब भी आ जाती हैं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अरे यार वो बेचारी कुछ नहीं करती हैं, तुम्हें चिड़चिड़ की बातें करती हो उनसे, उनका मूड ऑफ हो जाता है तुमसे। हाँ? मैं चिड़चिड़ की बात करती हूँ कि वो चिड़चिड़ की बात करती हैं? बैंड बजा देती है मेरी। बहू तेरी साड़ी कितने की है? ओह वेरी बैड, तू ये क्या कर रही है, तू वो क्या कर रही है? सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहती है वो, ये बताना चाहती है कि मैं कैसी सस्ती नॉन क्लासी चीजें पहनती हूँ। अरे यार थोड़ी सनक है उनकी। अरे तो सारी सनक क्या अपनी बहू पर ही निकालेंगी? अरे उनकी सनक को किसी पर भी निकाले, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? देखो बेबू, अगर वो आएंगी ना तो मैं तो इस घर से शिफ्ट आउट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझसे नहीं झेला जाएगा यार। तेरी मम्मी ने कौन सी इस औरत की भैंसें खोल ली हैं यार, उनके नाम से भी तक जाती है ये तो। जी अकेले हम का जाड़ा लगे। भाभी जी हम तो कब से अपनी खटिया अपने सर में लेके घूम रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके बगल में लगा दे खटिया अपनी भी। क्या बोले? भाभी जी कैसे मिजाज हैं आपके? हमरे मिजाज बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हुआ ना प्रभुति जी, रात को ना अचानक से हमको बहुत तानसेन हो गया था। टेंशन हो गई थी, लड्डू के भैया ने बदतमीजी की आपके साथ? अरे नहीं, अम्मा जी का कॉल आया रहा आधी रात को। तैं बोल गई क्या? कछु भी बोलते हैं, ऐसा ना ही बोलिए हमरे अम्मा जी के बारे में। Sorry. उनको हमरा भी उम्र लग जाए और मरे उनके दुश्मन। भाभी जी I'm sorry, I didn't mean it, I'm sorry. ठीक बा, क्या हुआ ना उनका कॉल आया रहा आधी रात को कि उनको बुखार आ गया है। हमको तो बहुत बहुत चिंता हो गया था ये बात को लेकर, उसके बाद सुबह सुबह उनका कॉल आया कि वो एकदम ठीक बा, तो हम भी खुश। वाह भाभी जी वाह, एक आप है जो अपनी सासू माँ से कितना प्यार करती हैं, उनको वहाँ पे छींक आती है तो नाक में दर्द आपको यहाँ पे होता है, खाना खाने के बाद उनको वहाँ डकार नहीं आती तो गैस आपको यहाँ बनती है, प्यास आपको लगती है, गला उनका वहाँ सूखता है। वाह दैट्स सो ब्यूटीफुल। सही पकड़े हैं, ये बात तो एकदम एकदम सच्ची बात, हम ना अम्मा जी को बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। एक आप है और एक मेरी बीवी है जो मेरी मॉम से यानी कि अपनी सासू माँ से एकदम प्यार नहीं करती, शी
शी हेट्स हर। काहे? अनीता जी का और आपकी मम्मी का झगड़ा हुआ का? झगड़ा तो चल रहा है भाभी जी, और इन दोनों के बीच में मैं पिसता हूँ। अब एक नया चोकोबा छोड़ दिया मेरी मॉम ने कि वो हमारे पास आ रही रहने के लिए। लेकिन ये तो बहुत अच्छा बात है ना? अच्छी बात तो है भाभी जी, लेकिन मेरे लिए अनु के लिए अच्छी बात नहीं है। वो नहीं चाहती कि मेरी मॉम हमारे साथ आके रहे। अब अभूति जी, हमको क्या लगता है कि ताली एक हाथ से कभी ना ही बजता है? मैं कुछ समझा नहीं भाभी जी। अब कहा है कि हम अम्मा जी को कितना प्यार करते हैं, अपनी मम्मी से भी ज्यादा, और वो हमको इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं, अब हमने मत बोले लड्डू के भैया से भी ज्यादा। ये तो सच है भाभी जी। अगर अनीता जी आपकी मम्मी से थोड़ा नाराज हैं या चिढ़ती हैं, तो आपकी मम्मी भी तो कछु की रही होंगी ना? सच कह रहे भाभी जी आप। एक्चुअली मेरी मॉम भी कम नहीं है, बट आई मस्ट टेल यू भाभी जी, शी वुड नेवर फेल टू अम्यूज मी विद योर विट एंड इंटेलिजेंस। रियली नमक कम है इसमें। अरे मीनल क्या बात कर रही है, तू मेरी सास को जानती नहीं है। तू ना उनके साथ एक घंटा बिता कर दे, तुझे पता लग जाएगा कि मेरी सास चीज क्या है। भाभी जी घर पर है? अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, फिलहाल तो भाभी जी घर पे ही हैं। क्या बात भाभी जी, कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। तिवारी जी, अगर किसी इंसान की जिंदगी से उसका सुख चैन छीनने की कोशिश की जाए तो क्या वो परेशान नहीं होगा? अरे कौन छीना आपका सुकून भाभी जी, हमें बताइए, हम उसके जबड़े में हाथ डाल और उसके गुर्दे नोच लेंगे। किस लिए? वो इसलिए भाभी जी कि हमारे होते आपका आपका सुकून कौन छीन सकता भला। मैंने पूछा किस लिए आए हैं। आपका सुकून छीनने आए मतलब आपकी राजी खुशी जानने आए हैं। जब तक मेरे गले में सांस की फांस है, ना मैं राजी हो सकती हूँ ना मैं खुश हो सकती हूँ। अच्छा, अगर सांस को लेकर दुखी है तो उनका परलोक का टिकट कटवा दे। आप चाहते हैं कि मैं अपनी सास का खून कर दूं? कितने क्रिमिनल माइंडेड आदमी आप, और आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ साथ क्रिमिनल बन जाऊं? भाभी जी हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो सास है ना, ये वो छुछुंदर है जिसे आप ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए भाभी जी, ये बाय द वे ये सास के साथ ये किस टाइप का पंगा है? तिवारी जी पंगा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर मेरी सास यहाँ आ जाएगी ना तो कोई ना कोई पंगा हो जाएगा, और वो आ रही है। तो रोक लीजिए ना उन्हें। अरे तिवारी जी मैं नहीं रोक सकती उनको। तो फिर कैसे रुकेगा ये तूफान? अब विभू ही रोक सकता है, और उसका तो मूड नहीं लग रहा है रुकने का। अरे कैसे रोकने का मूड नहीं है, हम बात करते हैं उनसे अभी। क्या पंचायत चल रही भाई? तुम बताओ क्या फैसला लिया, मम्मी आ रही है या नहीं आ रही है? देखो एक बार आप होने को टाल सकते हैं, लेकिन मम्मी की आमद को नहीं। तो ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं शिफ्ट आउट हो रही हूँ, मैं तिवारी जी के साथ जा रही हूँ। ये क्या बात हुई अनु, पहले बात तो सुनो। हेलो अनु, मेरे के लिए नहीं रह गया, मैं जा रही हूँ। मेरी अनु, अगर भाभी जी अपनी सास के आने से हमारे घर में शिफ्ट होने वाली है, तो हम तो दिल से चाहेंगे कि उनकी सास आ ही जाए। ये आप क्या भड़का रहे थे मेरी बीवी को? नहीं नहीं भड़का नहीं रहे थे, हम तो भाभी जी को समझा रहे थे कि अगर आपकी सासू आ रही हैं तो उन्हें आने दीजिए, रोकिए नहीं। क्या सीरियसली आप ऐसे ही कह रहे थे? नहीं हाँ मैं बिल्कुल, बल्कि हम तो आपसे भी यही कहेंगे कि अनु मतलब भाभी जी आपकी मम्मी के लिए लाख विरोध करें, आप मानिएगा नहीं और मम्मी जी को आने दीजिएगा। अक्सर आप अनु की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसके सुर में बोलते हैं, आज आप मेरे सुर में बोल रहे हैं, ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, हजम से नहीं हो रही है कुछ। वो आप नहीं समझेंगे तो समझाइए ना फिर। किसी को कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ तिवारी जी के घर में, आप तुम ना सुकून से अपनी मम्मी की गोदी में बैठकर आइसक्रीम खाना, लॉलीपॉप खाना, हाँ बॉटल में दूध पीना। तिवारी जी चलिए। जी भाभी जी। अब अनु मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी यार, कि हमारे घर जा रही है, कब्रिस्तान में नहीं जा रही है, समझे? अरे सुनो लौंडो, का हो मां साहब, का है को क्यों घबरा रहे? हमारे ऊपर दो दिन की समस्या आ गई है। कैसी समस्या? दो दिन के लिए हमारी सास हमारे घर पे रहने के लिए आ गई है। मां साहब सांसें क्यों फूल रही, तुम्हारी तुम्हारी सास है तो तुम्हारे घर में रहेगी, हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी सास को भगा के ले जाएं?
अरे ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कर बैठना लौंडे, हमारी सास बहुत ही खतरनाक है। तो माँ साहब साफ साफ बताओ ना, तुम्हें हमारी का मदद चाहिए? हमें ना दो दिन के लिए अपने घर में शरण दे दो। माँ साहब कोई बात ना, हमारा घर भी तो आप ही का घर है, क्यों टी कमल खान? तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लौंडे, कितने अच्छे हो तुम लोग। लौंडे शाहरुख सब कुछ आए पिला, सब तुझे धन्यवाद देंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे यार धन्यवाद से किसी का पेट भरता है क्या? माँ साहब सुन लिया आपने, ये लौंडो क्या कह रहे हो गौर फरमाओ। आई समझ माँ साहब, धन्यवाद से किसी का पेट नहीं भरता, भरता है तो सिर्फ आ आ आ। हाँ समझ गए, 100 रुपया दे देंगे तुम लोग। 100 रुपये रखो बत्ती बना के अपनी जेब में, साफ सी बात है एक दिन के 1000 रुपये लगेंगे। 1000 रुपये बहुत ज्यादा होता है भाई, हम 500 रुपये दे पाएंगे। चलो चलो हवान दो शीत ले रहा दो। ठीक है माँ साहब, ना तुम्हारी ना हमारी 900 रुपये में हमारे घर के दरवाजे खुले में, बोलो डन। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे पगली जल्दी आओ, देखो कौन आया है। आ रहे लड्डू के भैया। कौन? हदिया। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। हदिया ये बैग लेकर काहे घूम रही हैं? कहीं जा रही हैं का? ऐसा है पगली, अब से भाभी जी हमारे घर में ही रहेंगी। काहे? भरपूती जी से झगड़ा हुआ का? अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरी सास आ रही है और मेरी सास से मेरी जरा भी नहीं बनती। ऐसा काहे बोलती है अनीता जी, सास तो माँ का रूप होती है, देखिए हमारी अम्मा जी को। अरे अंगूरी जी, आपकी अम्मा जी और मेरी सास में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी सास आपको बेटी समझती है और मेरी सास तो मुझे उनका दुश्मन समझती है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? सुनो पगली, भाभी जी वैसे परेशान, तुम और परेशान कर रही हो। छोड़ो, कुछ लाओ खाने वाने के लिए लाओ। हाँ आप क्या खाएंगी बताइए ना। नहीं नहीं अंगूरी जी, मुझे भूख नहीं है और मेरा जरा भी मन नहीं है। भाभी जी आप चिंता ना करें, ये सास वाला तूफान भी आके गुजर जाएगा। अनु अनु, आई सेड अनु, अनु कैन यू हियर मी? क्या है यार, छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के आना ये अच्छी बात नहीं है यार। नहीं बाबा, तुम्हारी मम्मी आ रही है, मुझे तो उस घर में रहना ही नहीं है। अरे ये भी तो भाभी जी का घर है। जी नहीं, ये घर अनु का नहीं है, अनु का घर सामने वाला है जहाँ मैं रहता हूँ उसके साथ। लेकिन वहां तो वो चिरांद आ रही है ना। क्या बका आपने अभी? हमने कहा अगर भाभी जी को कोई समस्या नहीं है यहाँ तो आपको क्या समस्या है? हेलो, हाँ मम्मी, आप नहीं आ रहे हो? क्या? मम्मी नहीं आ रहे? अरे जरूर रॉन्ग नंबर लग गया होगा, जरा देखिए दोबारा चेक कीजिए। तुम वो रॉन्ग नंबर नहीं था, राइट नंबर था, समझे आप? विफु चलो ना। अरे भाई जी ये लो पकड़ो। अरे जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो, ओ मारिया। गई मारिया। यो जल्लू मलखान, पुअर बेगर्स, तुम सारे, तुम दोनों जो भी कुछ हो ना आज की तारीख में, वो मेरी बदौलत हो।
अगर मैं ना होता ना तो तुम कानपुर स्टेशन पर है ना भीख मांग रहे ये ले। अबे साले भिगो के रखे हुए फूले चने की शक्ल जैसे आदमी तू और मलखान टिल्लू की वजह से ऐश कर रहे हो ऐश, वरना कसम से कह रहा हूं जाकर गटी में अपनी अपनी झाड़ियां सुलगाकर हाथ टेप रहे होते। बकवास कर रहे हो, तेरी वजह से पिटे हो, तेरी वजह से छाड़ दे टोपी तो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? इतनी रात हो गई और बकर बकर किए जा रहे हो, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। शट अप यू ओल्ड मैन, कीप क्वाइट। अपने संस्कारों को है ना होइया के खेत में डाल दो। मासाब, तुम हमारे यहाँ पे किराएदार रह गए, वो भी 2 दिनन के लिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक्सक्यूज मी यार मलखान, ये सरो मास्टर है ना, ये बहुत संस्कार झाड़ रहा हूँ आजकल यार। लेलो सर इधर इधर तुम्हारे संस्कार करते हैं संस्कार। एक मिनट मां साहब, एक मिनट सारे को आज मां साहब के संस्कार नशे में कर देंगे सारे। आज के बाद नशीले संस्कार निकलेंगे सारे के। आई लव यू मां साहब। Hey, 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 hey. चमेली का तेल लगाता है सर में। सालो, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि हम अपने सास के साथ ही रह लूं। ये फिर अपने संस्कार को झाड़ रहे हैं। हाँ। टिल्लो, हाँ जाको वापस ले ले यार। अरे तो अरे संस्कार, अरे संस्कार, अरे अरे मार, अरे मार, अरे संस्कार संस्कार कर रहे हैं साला। सॉरी फॉर व्हाट? इसीलिए क्योंकि जब मैंने तुम्हारे मम्मी के आने की खबर सुनी तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया और मैं जाकर तिवारी जी के घर चली गई। एक बात तो मैं जानता हूँ कि दुनिया की हर बहू अपनी सास से नफरत करती है, एंड यू आर नो एक्सेप्शन, बट तुम्हें लगता कि इन दिस केस तुम मेरी मॉम से कुछ ज्यादा नफरत करती हो? आई हैव अ फीलिंग तुम बहुत गंदे हो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्यों मैं नफरत करूंगी अपनी सास से? अरे सास है वो मेरी, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन दूर से। अरे मैं क्या करूं, जब वो आती है ना तो कुछ ना कुछ ऐसा कह देंगी कि मेरा सारा प्यार काफ़र हो जाता है। देखो जब से ना मैंने अपने सास की ना आने की खबर सुनी है ना, मेरी तो सांस में सांस आ गई है। मुझे ना इतनी रिलीफ मिली है ना कि मैं क्या बताऊं, मुझे खुशी हो रही है अंदर से। चलो ना रोमांस करते हैं। मैं खुश देखकर मुझे भी बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि मुझे भी रोमांस कर लेना चाहिए। लेट्स गो। मम्मी क्या आ रही हो? मम्मी जी आ रही हैं। आ रही है? मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, मैं नहीं रह सकती, कौन सुनेगा उनकी बातें। मैं तो चली जाऊंगी, सारा सामान रख दूंगी अपना, भैया कौन झेलेगा। हेलो मम्मी, अच्छा नहीं आ रही हो? मे बी मम्मी नहीं आ रही।
हेलो मम्मी। अच्छा आ रही हो? मम्मी आ रही है बेबी।